कृषि मंत्री दामोदर राउत का सम्मेलन राज्य में चाष व कृषक विकास हो विरोधी जो अभियोग आने जवाब रखुंत कृषि मंत्री दामोदर राउत राज्य में चाषी को विकास होना बोली विरोधी बीजेपी अभियोग कर दावी को से ग्रहण करना फिर बहुत राज्य सृष्टि होती आंचलिक दल सृष्टि आपड़ देखिए 52 मसीहा साधारण निर्वाचन 57 मसीहा साधारण निर्वाचन एवं 61 मसीहा साधारण निर्वाचन ये तीनो साधारण निर्वाचन में केन्द्र में निरपुंस भाव में कांग्रेस शासन होता एवं राज्य मानक प्राय सब राज्य में कांग्रेस शासन था नेहरू और शास्त्री देहांत पर जो मैंने रही दलय भावना भेदभाव नीति दलय नीति एवं स्वाभाविक राज्यर स्वाभाविक नेतृत्व को गुरुत्व नदे ऊपर नदी द्वार प्रक्रिया कले देश में विभिन्न राजनीतिक दल आंचलिक दल सृष्टि है से गोटे होड़शा स्वर्गत बिजु पंडा प्रख्यात स्वाधीन संग्राम थे कंग्रेस 61 बच्चे मुख्यमंत्री थे तेणु नेहरू को पर लगातार ओडिशा को अवहेला करागला से विक्षुब्ध होकर स्वर्गत विजु पंडा कांग्रेस दल त्याग गोटे आंचलिक दल गठले उद्देश्य है ओडिया जातिर स्वाभिमान ओडिशार स्वार्थ खड़ी खादान बण जंगल नद नदी समुद्र बेलाभूमि अपर्याप्त संपर्क थी केन्द्र अणदेखा मनोदी जो आम तो उपयोग दरिद्र आंचलिक दल सृष्टि करते दलर सर्वशेष प्रतिरूप बदान हूँ विजु जनता दल विजु जनता दल मंगल हूँ मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ये अभिप्राय ना दिल्ली दखल करवा किंतु केन्द्र जो मैंने प्रधानमंत्री होती केवल मात्र इच्छा हो सब राज्य दल सरकार हम ये जहाँ चली अल्प बहुते जो परंपरा थी जो विधि विधान विगत तीन वर्ष है माननीय नरेन्द्र मोदी से प्रति आखिरी संविधान नीति नियम परंपरा सब किसी ना एवं एकमात्र उद्देश्य से जे सब राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार करेंगे निजे मन इच्छा शासन करेंगे एवं शासन कला बेले ओडिशा को केवल बदनाम करने नवीन पट्टनायक को हीन मन्यतार शिकार करने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सरकार समस्त करेणु से मुझे उचित मन कली आम यही तथ्य भित्तिक बीजेपी शासित चारोट राज्य कौन अच्छी ओडिशार कौन से गोटी को आप तुलनात्मक भाव में दिखाई मुझ लिखित ये तेनाली खाली ठीक ठीक कहीदेवि आपण मानक साक्षरता को आसवा ओडिशार 81.6 राजस्थान 50.51 गुजरात 87.23 छत्तीसगढ़ 81.45 झारखंड 78% 45 साक्षरता हार है पुरुष मान महिला मानक ओडिशार 64 राजस्थान 52.66 गुजरात हूँ 70.73 एवं छत्तीसगढ़ हूँ 60.69 एवं झारखंड हूँ 56.21 शिशु मृत्युहार प्रति हजार ओडिशार हूँ 40 राजस्थान 49 गुजरात 36 छत्तीसगढ़ 46 एवं झारखंड हूँ 38 मातृ मृत्युहार में प्रति 1,258 ओडिशार थिला बेले राजस्थान 255 गुजरात 122 छत्तीसगढ़ 230 एवं 219 हूँ झारखंड आनुष्ठानिक इनल डेलीवरी ओडिशार हूँ 85.4 राजस्थान हूँ 84% गुजरात हूँ 88% 7 छत्तीसगढ़ 70% 2 एवं झारखंड 61% 9 डीजीपी अभिवृद्धि हूँ ओडिशार हूँ 7.94 राजस्थान हूँ 7.94 एवं गुजरात 7.31 छत्तीसगढ़ 1.77 एवं झारखंड में सर्वनिम्न हूँ 1.65 दशंधि अभिवृद्धि हार टिकेट जोटा कहते ओडिशा हूँ
14% 4 राजस्थान हूँ 6% 6.5 गुजरात हूँ 10% 1.7 छत्तीसगढ़ हूँ 6% 3.8 झारखंड हूँ 14.7 सेवा क्षेत्र में सर्विस ओडिशा हूँ 8.8 जातीय स्तर ता हूँ 7.74 ये सब गोटे ये गोटे आकलन कराए गोटे राज्य में पछक जाऊँ कि आगे जाऊँ 17 वर्ष तेरे यही सब कथा ओडिशा अनेक पचर था या तो आगे आसी या बाहर 2000 कृषि उत्पादन था 55 लाख मेट्रिक टन गत वर्ष यह पहुंचे 1,17,64,000 मेट्रिक टन एवं 15-16 ओडिशा सर्वाधिक 98,74,000 मेट्रिक टन चावल उत्पादन कर देश में सबुठ अधिक कंट्रीब्यूट पीटी साधारण बंटन व्यवस्था ओडिशा सर्वाधिक चावल दि जाए यह सब कथा घटुला बेले मुझे कहीं कह 98,74,000 मेट्रिक टन हाँ 74,000 या व्यतीत आउ गोटे प्रश्न आपर आने ये सब बाहर केन्द्र रेलवे रेवेन्यू रेलवे राजस्व ओडिशार कंट्रीब्यूशन हूँ 33% एवं मिनरल क्षेत्र केन्द्र राजस्व को ओडिशा दौर 25% राजस्व ये सब तथ्य बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2014 क्षमता को आसला परे देशवासियों को जो सब प्रतिश्रुति केते परिमाण रक्षा करछन्ती से कथा प्रधानमंत्री तांको राज्य बीजेपी नेता मैंने राज्यवासियों को उत्तर देवाई मुझे अनुरोध कर प्रतिवर्ष 2 कोटी युवक युवती निजुक्ति देवाई कही धान सर्वनिम्न सहायक मूल्य देढ़ गुण करने के 100 दिन भितर देशर सब कलाधन जबत कर प्रति पर 15 लाख टंका देवाकते प्रधानमंत्री होगाठ ए जाए श्री नरेन्द्र मोदी 134 राष्ट्र गस्त कले एवं राजकोष ये टंका व्यय हो भारत को केते पूंजी निवेश आनी विषय कहवा उचित प्रधानमंत्री भाव श्रीजुक्त मोदी प्रतिदिन जो पोशाक जोता पिंधुं तार मूल्य हूँ 1,15,000 टंका ये अर्थ से केवटू आगत 3 वर्ष धरी श्री मोदी देशर गोटे हेले सरकारी सांबादिक सम्मेलन करना तर स्वच्छता संपर्क जानवा कमी विमुद्राकरण घोषणा पूर्व जो नुआ नोट छपा होता से रिजर्व बैंक क्यों गवर्नर दस्तखत करते प्रकाश करेंगे कि नोट छपा है बेले तत्कालीन गवर्नर रिजर्व बैंक गवर्नर दस्तखत करते ना आगो को स्थिरीकृत हो जो गवर्नर आगुआ दस्तखत करते जदि करें क्यों न्याय मुहान करुँ 17 वर्ष मध्य ओडिशार विभिन्न क्षेत्र में अभिवृद्धि और बीजेपी शासित 4 राज्य अभिवृद्धि हार संपर्क यही दल नेता मैंने राज्यवास सम्मेलन निजर जवाब रखते तीन तुंड में छेली कूर भाई विजु जनता दल या मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक चित्रित करने उचित हम ना मु भावी एटी मात्र मोर कह कथा कारण अंधार बाड़ी बुले जो मैंने साधारण कर्मीटे सी मतलब मुख्यमंत्री आह्वान करते आज वितरण कर मुख्यमंत्री विपद कौन कर तुम्हें निज सरकार विषय निज राज्य मानक अर्थनीति कौन हो सामाजिक विकास कमी घटू सर्विस क्षेत्र कौन हो निजर धारधारणा ना लोक जदि यही अपप्रचार करेंगे तेल कौन कृषि अभिवृद्धि हार देश में सब अधिक आम कृषि आपंटे आगे धारधारण नियंतु अभिवृद्धि हार्टा जो दफ्तर कहा जाए सहीटा मुझे आप कहीं पचारे मनुच्छी मुझे ये कहली जानते 2000 55 लाख मेट्रिक टन थी गत वर्ष यह 1,17,00,000 मेट्रिक टन में पहुंची आपको मुझे मन को कौच कौन मध्यप्रदेश
ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣେ। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଟା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଭିଭାବକ ଦିଆଯାଏ ଏତିକି ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ କୃଷି ବାବଦରେ ଏନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଆଉ କେଉଁ ବାବଦରେ ଯୋଉଟା ପଚାରୁଛି ସେଇଟା ଅଲଗା ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପଚାରୁଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରଖାଯାଏ ଯୋଉ ମାନଙ୍କ ରହିଛି ଏହି କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବାଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିକିରି ବିଜେପିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମାଗିନି। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ମୋର ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୟାକରିକିରି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯାଏ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କିଛି ଧାରଣା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଲି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାରୋଟି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରୁ କହିଛି, ମୁଁ ତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଥା କହିନି। ଆପଣ କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖବରକାଗଜକୁ ପଢ଼ୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି 134 ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କଲେ ଏ ଦେଶ ଗସ୍ତ କଲେ ତାଙ୍କର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କଥା ମୁଁ 134 ଦେଶକୁ ଗଲି ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଞ୍ଜି ଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି, ବିଶେଷ କରି ପୁଞ୍ଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ କେତେ ପୁଞ୍ଜି ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ପଚାରୁଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମୟରେ ଡାକିଛି। ଆପଣ ଯଦି ତା ଦେହରୁ ଅଧିକା କିଛି ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ କହିବିନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦାମୋଦର ରାଉତ ହିସାବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଛି। ଏହା ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିନାହାନ୍ତି କି ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର କହିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଛାପିବାନି, ନ ଛାପିଲେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି, 5 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି କୃଷକ କୋଟିପତି ହେଇପାରନ୍ତେ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏ କଥା ତ ବୋଧେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବେନି କେତେ ଜଣ କେବେ ହେଇଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବାବଦରେ ଆଗେ ନିଜେ ଟିକେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଏଠି ଭୂବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ସେଠି 71% ଚାଷ ଜମି 13% ପରିବାର ହାତରେ ରହିଛି, 29% ଜମିବାଡ଼ି 87% ପରିବାର ହାତରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଭୂ ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି 55 ଲକ୍ଷ ପରିବାର କୃଷି ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ଏବଂ ସେଥିରେ 73% ସମୁଦାୟ ଜନସାଧାରଣ, 73% ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର କୃଷି ସହିତ ଜଡ଼ିତ।